Management and diagnosis of control unit, ballot unit and VVPAT failures. Control unit, ballot unit और VVPAT की विफलताओं का प्रबंधन एवं निदान। यह एजुकेशनल वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एवं लॉस को ही मान्य किया जावे। ट्रबल शूटिंग ड्यूरिंग पोल। इस वीडियो में हम जितनी भी ट्रबल शूटिंग डायग्नोसिस देखेंगे वो सारी की सारी ट्रबल शूटिंग और डायग्नोसिस पोल के दौरान आने वाली समस्याओं के ऊपर ही बेस्ड हैं। यदि कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं तब इसका निदान होगा। कंट्रोल यूनिट बंद करें, इसे फिर से स्विच ऑन करें। इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम रहती है तो पूरा सेट बदलें, यानी कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, इन तीनों को बदलें। इन तीनों को बदलने के बाद मॉक पुल करें और प्रत्येक उम्मीदवार को, नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को एक वोट अंकित करें। मॉक पोल उपरांत कंट्रोल यूनिट को क्लियर करें और ड्रॉप बॉक्स से मुद्रित पेपर स्लिप्स को निकालें। इन पेपर स्लिप्स को काले लिफाफे में रखते हुए प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर इसे सील करें। इसके बाद नए सेट के साथ मतदान जारी रखें। यदि एक्चुअल पोल के दौरान वीवीपैट में किसी तरह की खराबी प्रदर्शित होती है तो कंट्रोल यूनिट बंद करें, इसे फिर से स्विच ऑन ना करें। अब केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा, मॉक पोल नहीं किया जाएगा। एक्चुअल पोल के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट खराब होती है या बैलेट यूनिट खराब होती है तो तीनों चीजें, यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट रिप्लेस होगा, और जब ये तीनों चीजें रिप्लेस होती हैं तब फिर से मॉक पोल किया जाएगा। और यदि केवल वीवीपैट में किसी तरह की खराबी आती है और केवल वीवीपैट को ही रिप्लेस किया जाता है तब मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले यूनिट में लिंक एरर प्रदर्शित हो रही है तब जांचें कि केबल का कनेक्शन सही हो। यदि लिंक एरर अभी भी बनी रहती है तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इन तीनों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी कि इन तीनों के सेट को बदला जाएगा। यदि मैसेज वीवीपैट चेंज बैटरी, यहां BATR प्रदर्शित होता है जिसे हम बैटरी मानेंगे, तो यदि मैसेज वीवीपैट चेंज बैटरी प्रदर्शित होता है तब कंट्रोल यूनिट को बंद करें और वीवीपैट के पावर पैक को प्रतिस्थापित करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मामले में कंट्रोल यूनिट को बंद किए बिना बैटरी का प्रतिस्थापन नहीं होगा। यहां पर वह कंट्रोल यूनिट प्रदर्शित हो रही है जिस पर कि वीवीपैट चेंज बैटरी का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। यदि एरर कोड 2 से संबंधित कोई मैसेज प्रदर्शित होता है तो कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें और वीवीपैट बदलें या इसे प्रतिस्थापित करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मामले में कंट्रोल यूनिट को बंद किए बिना वीवीपैट इकाई को बदला या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। यदि कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाने पर एरर कोड 2 डिस्प्ले होता है तो संभावित एरर होंगी एरर 2.1 एबनॉर्मल हेड टेम्परेचर, एरर 2.3 प्रिंटर टाइमआउट एरर, एरर 2.4 प्रिंटर लो वोल्टेज एरर, एरर 2.5 प्रिंटर इनकरेक्ट कमांड एरर, एरर 2.6 कटर एरर, एरर 2.7 फॉल एरर, एरर 2.8 प्रिंटर मेमोरी एरर, एरर 2.9 कंट्रास्ट एरर, एरर 2.10 लेंथ एरर,
एरर 2.12 पैलेटन ओपन एरर, एरर 2.13 नो पेपर एरर, एरर 2.14 डिप्लीट एरर। यदि इस तरह की कोई भी एरर प्रदर्शित होती है तो आप माने कि वो वीवीपैट खराब है और वीवीपैट को बदला जाएगा। आपके स्क्रीन में एरर को 2 से रिलेटेड दो कंट्रोल यूनिट दिख रही हैं। एक कंट्रोल यूनिट में एरर को 2.9 या 2-9 दिख रहा है, दूसरे कंट्रोल यूनिट में एरर को 2.13 या 2-13 दिख रहा है। यदि इनवैलिड यूनिट एट ADDR 27 से संबंधित कोई मैसेज प्रदर्शित होता है तो कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें और वीवीपैट बदलें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी मामले में कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किए बगैर वीवीपैट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। इस चित्र में हमें वह कंट्रोल यूनिट दिख रही है जिस पर कि इनवैलिड यूनिट एट ADDR 27 मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदाता के लिए बैलेट रिलीज कर दिया जाता है और मतदाता बैलेट यूनिट के अभ्यर्थी के सामने वाले बटन को दबाने के बाद शिकायत करता है कि वीवीपैट द्वारा पेपर स्लिप मुद्रित नहीं की जा रही है या डिस्प्ले विंडो में दिख रहा है कि पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है और वह लटक रही है, तब यदि कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप ग्लो नहीं कर रहा है और कोई मैसेज या त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती है तो शिकायत को निराधार और अस्वीकार माना जाना चाहिए। यदि कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप चमक रहा है और कोई संदेश या त्रुटि प्रदर्शित नहीं हुई है तो मतदाता से अनुरोध किया जाएगा कि वे एक बार पुनः मतदान प्रकोष्ठ में जावें और बैलेट यूनिट में अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबावें। यदि कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जल रहा है तब भी वीवीपैट की जांच करें। यदि वीवीपैट का लैंप भी जल रहा है और किसी तरह का डिस्प्ले ना आ रहा हो तो कंट्रोल यूनिट को बंद करें और वीवीपैट इकाई को प्रतिस्थापित करें। अगर कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदाता के लिए बैलेट रिलीज कर दिया जाता है और मतदाता बैलेट यूनिट के अभ्यर्थी के सामने वाले बटन को दबाने के बाद शिकायत करता है कि वीवीपैट द्वारा पेपर स्लिप प्रिंट नहीं की जा रही है या डिस्प्ले विंडो में दिख रहा है कि पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है और लटक रही है, तब आखिरी मतदाता जिसकी पेपर पर्ची वीवीपैट द्वारा प्रिंट नहीं की गई है या कटकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है तो वीवीपैट को प्रतिस्थापित होने के बाद पुनः मत अंकित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक मतदान पर्ची प्रिंट होकर ड्रॉप बॉक्स में ना गिर जावे तब तक कंट्रोल यूनिट में वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज नहीं होता या सेव नहीं होता। इसलिए इस तरह के आखिरी मतदाता जिसकी पेपर पर्ची मुद्रित ना हुई हो या मुद्रित पेपर पर्ची कटकर पुनः ड्रॉप बॉक्स में ना गिर गई हो तो वीवीपैट के प्रतिस्थापन के बाद पुनः वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। यदि मुद्रित पेपर पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है तो वीवीपैट को प्रतिस्थापित करें व इस पर्ची को ड्रॉप बॉक्स में गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पर्ची को लटका रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रित पेपर स्लिप्स की गिनती मतगणना के समय नहीं की जाएगी। इस तरह की घटना का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में पीठासीन अधिकारी की डायरी में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। घटना की तिथि और समय, जिस मतदाता को वीवीपैट प्रतिस्थापित करने के बाद मतांकित करने की अनुमति दी गई उस मतदाता का नाम व मतदाता सूची के अनुसार उसका सीरियल नंबर, क्या वीवीपैट के प्रतिस्थापन के बाद मतदाता ने अपना वोट डाला या वोट डाले बिना ही चला गया, घटना से पहले डाले गए वोटों की कुल संख्या। यदि कोई मतदाता
वोट रिकॉर्ड करने के बाद आरोप लगाता है कि वीवीपैट द्वारा मुद्रित पेपर पर्ची पर किसी अन्य उम्मीदवार का नाम या सिंबल प्रिंट हो रहा है तो क्या किया जाएगा। तो नियम 49MA के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। घोषणा फॉर्म में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मतदाता यानी कि शिकायतकर्ता और मतदान एजेंट के साथ पीठासीन अधिकारी मतदान प्रकोष्ठ में जाएंगे। मतदाता से उसी उम्मीदवार के पक्ष में पुनः एक परीक्षण वोट डालने और फॉर्म 17K में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान से देखें कि प्रिंटर ने पेपर पर्ची को सही ढंग से प्रिंट किया है या नहीं किया। यदि मतदाता की शिकायत वास्तविक पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करते हुए मतदान रोक देंगे। यदि मतदाता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो फॉर्म 17K में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत टीप लिखेंगे व उस उम्मीदवार का नाम व सरल क्रमांक लिखेंगे जिसे यह टेस्ट वोट डाला गया था व मतदाता के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे। फॉर्म 17C के भाग 1 के आइटम नंबर 5 में ऐसे टेस्ट वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आप किसी भी तरह के सजेशन देना चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन रिलेटेड अनदर वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। थैंक यू।